हेलो एवरीवन आज इस वीडियो में एक यूनिक तरीके से मैं आप सभी के साथ हाफ केक केक बहुत ही सुंदर और बहुत ही ब्यूटीफुल सी डिज़ाइन को शेयर कर रही हूँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने हाफ़ के जी केक की क्रम कोटिंग पहले से ही की हुई है और अब हम इस केक को बिल्कुल सेंटर से कट करेंगे तो उसके लिए मैंने ये थ्रेड लिया है यानी कि धागा अगर आप चाकू से इस तरीके से केक को कट करेंगे तो हो सकता है आपकी एजेस जो है वो थोड़ी सी रफ़ हो जाए बट थ्रेड से अगर आप इस तरीके से केक को कट करेंगे तो बहुत ही शार्प एज से केक कटता है इसी मेथड को आप पेस्ट्रीज कटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं धागे से लेयर्स कटिंग में भी बहुत ही अच्छी हेल्प होती है तो आप मेरे इस मेथड को ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिएगा देखिए थ्रेड से हमने पूरे केक को सेंटर से कट कर दिया है और आप चाहें तो हम चाकू की मदद से इन दोनों पीसेस को अलग कर देंगे तो पहले आप हमेशा थ्रेड से केक को कट कीजिएगा और फिर चाकू से उसे अलग कर सकते हैं तो अब एक पार्ट को मैं साइड में रख देती हूँ क्योंकि आज हम एक ही पार्ट को डेकोरेट करेंगे तो देखिए हमारा एक केक अब बचा हुआ है अब इसको हम छोटे बोर्ड पर ट्रांसफ़र कर लेते हैं क्योंकि केक का साइज छोटा था तो मैंने अब जो केक का बोर्ड लिया है वो छोटे साइज़ का लिया है और अब इसके ऊपर हम अपनी क्रीम लगा करके इसकी थोड़ी सी फाइनलाइजिंग करेंगे बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आपको लाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा जो डिज़ाइन है वो अच्छे से इस केक को हाइट कर लेगा तो हल्की सी क्रीम से ही मैं इसकी थोड़ी सी स्मूथ फिनिशिंग कर देती हूँ इसके लिए आप स्पेचुला या फिर पैलेट नाइफ का इस्तेमाल कर सकते हैं चाहे तो उसे पानी में डिप करके भी इसकी स्मूथ एजेस बना सकते हैं तो या देखिए केक की एजेस हमने स्मूथ कर ली है अब फिर से हम थ्रेड लेंगे और केक के बिल्कुल सेंटर में हम इस तरीके से धागे से एक लाइन का मार्क बनाएंगे और ऐसे ही साइड में भी हम दो मार्क्स बनाएंगे थ्रेड की मदद से मार्किंग करना बहुत ही आसान हो जाता है तो फ्रेंड्स कई बार स्केल कई बार और दूसरी मार्किंग फेल हो जाती है लेकिन थ्रेड से की हुई मार्किंग थ्रेड से किया हुआ कट बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है और यहाँ पर देखिए जो केक की आगे वाली साइड है जो प्लेन है वहाँ पर मैं छोटे वाले स्टार नोजल से केवल व्हाइट कलर की क्रीम से ही इस पूरे पार्ट को फिल कर दूंगी लेकिन यहाँ पर एक ज़रूरी बात आपसे शेयर करना चाहूंगी अगर आप फिनिशिंग के साथ बेकरी स्टाइल केक की डेकोरेशन देखना पसंद करते हैं तो आपको दो बातों का ध्यान रखना है एक तो आपकी जो लाइन है वो एकदम सीधी होनी चाहिए कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये डिज़ाइन सिमेट्री में जितना होता है उतना ही अच्छा लगता है और दूसरा आपको ओवरलैपिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है यानी कि एक स्टार नोजल से जो फ्लावर आप बना देंगे उसके ऊपर दूसरा फ्लावर आपको नहीं बनाना है पास पास आपको बनाते हुए इस पूरे पार्ट को फिल कर देना है और ऐसे ही हमें सर्कल वाले पार्ट को भी फिल कर देती हूँ अब मैंने लाइट पिंक कलर की क्रीम ली है और सेम वही वाला नोजल यूज़ किया है और अब जो केक का टॉप पार्ट है सेमी सर्कल शेप का उसकी एजेस पर हम ये पिंक कलर की लाइन से यही वाले फ्लावर्स बना देंगे तो पहले मैंने सर्कल वाले बनाए हैं और अब मैं थोड़ी सी साइड में स्पेस दिख रही है वहां पर भी इसकी एक लाइन बना रही हूँ क्योंकि हमें गैप बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है अब जो हमारे मार्किंग की हुई है थ्रेड से उसके एक एक पार्ट को हम पिंक कलर से ही फिल करेंगे देखिए छोटे छोटे फ्लावर से मैं वैसे ही बिल्कुल बना रही हूँ पास पास डिजाइन और ओवरलैपिंग आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है ये देखिए और ऐसे ही दूसरी साइड पे भी हमने जो थ्रेड से मार्किंग की है उसकी एक साइड में हम ये डिजाइन बना देंगे तो फ्रेंड्स इस हाफ केक को देख करके वैसे तो आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि आज हम बहुत ही क्यूट फेस वाला अम्ब्रेला केक बना रहे हैं तो देखिए दोनों साइड मैंने पिंक कलर की कर ली है अब जो सेंटर में हमने थ्रेड से मार्किंग की थी वहाँ पर और इसकी एक साइड में भी जो बची हुई है वहाँ पर भी हम ये लाइन बना लेंगे और जो दो ट्राइंगल पार्ट हमारे बीच में अब बचे हुए हैं वहाँ पर हम वाइट कलर के फ्लावर्स बनाएंगे क्योंकि इस पर हम बहुत ही क्यूट सा एक फेस बनाने वाले हैं तो जैसे हमने एक पार्ट को फिल किया है ऐसे ही हम साइड वाले पार्ट को भी फिल कर लेते हैं और आप देख सकते हैं पास पास फ्लावर बनाने से बिल्कुल ओवरलैपिंग ना करने से कितना सुंदर केक पर डिज़ाइन ये लग रहा है और जिसमें हमने बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं की है अब इस अम्ब्रेला की स्टिक बनाने के लिए मैंने ये ब्लैक पेपर की एक स्ट्रिप ली है चार इंच की थोड़ी चौड़ी और एक बेम्बू की स्टिक की मदद से मैं इस पेपर को इसके ऊपर रोल करूँगी ताकि हमें बिल्कुल बढ़िया सा एकदम सिलेड्रिकल साइज़ का ये स्टिक मिल जाए तो धीरे धीरे आपको इसके ऊपर इसे चढ़ाना है और जब ये पूरी तरीके से इस पर रोल हो जाएगी तो इसके एंड को हम सेलो टेप की मदद से सिक्योर कर देंगे और फिर हम बैम्बू स्टिक को बाहर निकाल लेंगे इस तरीके से आप चाहें तो इस स्टिक को चॉकलेट से भी बना सकते थे बट मुझे एक अर्जेंट में ये केक देना था तो मैंने पेपर की स्ट्रिप से ही अम्ब्रेला केक बना लिया है अब इसकी दोनों एजेस को हम सीजर की मदद से कट कर लेंगे और ये लीजिए हमारी स्टिक एकदम ब्लैक कलर की रेडी है इसके एक पार्ट को हम थोड़ा सा बेंड करेंगे जैसे अम्ब्रेला वगैरह में होती है हल्का सा ट्विस्ट कर देंगे थोड़ा सा सेमी सर्कल शेप में ये आ जाएगी और लीजिए स्टिक एकदम रेडी है चलिए अब इसे केक के अंदर इंसर्ट करते हैं तो केक के एकदम सेंटर में हम इसे इंसर्ट करेंगे जो हमारी प्लेन वाली साइड है पर वहाँ पर पहले हम बैम्बू स्टिक से एक होल बनाएंगे यानी कि चेक करेंगे और फिर हम इस पेपर वाली स्ट्रिप को इंसर्ट करेंगे ऐसे हमारा डिज़ाइन भी खराब नहीं होगा और फिनिशिंग के साथ हमारा काम जो है वो बढ़िया से हो जाएगा तो जितनी आपको स्टिक रखनी हो उसी हिसाब से आपको इसे इंसर्ट करना है अब मैंने एक पाइपिंग बैग में न्यूट्रल जेल लिया है जिसके अंदर मैंने ब्राउन कलर ऐड किया हुआ है और जो हमने वाइट और पिंक कलर की डिज़ाइन को बनाया है उसकी एजेस को और थोड़ा हाईलाइट करते हुए हम ये लाइंस बना देंगे तो सिंपली आपको दो ट्राइंगल बनाने हैं ये देखिए इस तरीके से और अब क्योंकि हम एक क्यूट सा फेस बना रहे थे तो अब हम दो आइज बनाएंगे बड़ी बड़ी और उसको थोड़ा सा डिटेलिंग करेंगे दो आईब्रोज भी बना देंगे और ऐसे ही एक क्यूट सा इसका स्माइल वाला माउथ बना देंगे ये देखिए इस तरीके से तो लीजिए फ्रेंड्स हमारा अम्ब्रेला केक जो है वो फटाफट से और मिनटों में बनकर के रेडी है फ्रेंड्स मुझे ये 250 ग्राम का केक बनाना था तो मैंने हाफ के जी के केक के हिसाब से स्पॉन्ज बनाया था और उसको आधा कट करके मैंने इस केक को रेडी किया है और आधा केक फ्रेंड्स मेरे घर में काम आ गया बच्चों ने ऐसे ही खा लिया तो आज का ये डिज़ाइन आज की रेसिपी आज का मेरा मेथड अगर आपको पसंद आया हो यूज़फुल लगा हो तो इस वीडियो को फटाफट से लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ फ्रेंड्स के साथ और हर बार कुछ नया देख करके सीखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा तो ऐसे ही मिलती हूँ नेक्स्ट इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाय टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग